भक्तिमय वीडियोस का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिमारू भक्ति चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक करें नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए। ओम नीलांजन समावासम रवि पुत्र युवाग्रजम छाया मर्तंड संबोधम तम नमामि जनेश्वरम। ओम नीलांजन समावासम। जी हाँ, सूर्य पुत्र शनि की महिमा का बयां कर पाना असंभव ही जान पड़ता है। ये वो देवता हैं जिनसे लोग बहुत डरते हैं, मगर भक्तों का कहना है कि शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारे रक्षक हैं, तारणहार हैं। मैं काफी टाइम से आ रही हूँ, 12-13 साल से आ रही हूँ, तो शनि चालीसा का मैं बहुत मानती हूँ उनको, और बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास है उन पर, भगवान पे, कि बहुत अच्छा करते भी है वो, सबका भला भी करते हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए, उनकी पूजा करो, उनका रोज़ शनि चालीसा पढ़ो, वो बहुत अच्छा करते सबके लिए। मैं हमेशा हमारे घर में शनि जी का जब होता है जन्मदिन, तो हमारे घर में सत्संग भी होता है, सबको बुलाती हूँ मैं, ये बुक बांटती हूँ, सबको बताती हूँ कि वो कितने अच्छे हैं, कितने कृपालु है, उनकी पूजा करो, उनसे डरो मत, लोग बहुत डरते हैं उनसे, डरो मत, उनकी कृपा है बहुत है, उनको बहुत मानो। जी हाँ, तभी तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निवासा तालुका में बसे शिगनापुर गांव में शनि देव का एक बेमिसाल मंदिर बना है। भारत के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग यहाँ शनि देव के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर एक जीवित देव स्थान है, अर्थात यहाँ स्थापित मूर्ति में आज भी शनि देव विद्यमान हैं। यहाँ उनकी जो मूर्ति है वो भी स्वयंभू है, मतलब वो एक काली शिला रूप में खुद ही यहाँ आई है। वो कब की है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि वर्षों पहले वो नदी में बहती हुई आई थी और यहाँ के गाँव वालों को मिली थी। कहते हैं कि वो कलयुग की शुरुआत से ही यहाँ है। इससे जुड़ी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि जब वो शिला मिली तो एक चरवाहे ने उसे अपनी लाठी से कुरेदा, कुरेदते ही शिला से खून निकलने लगा। चरवाहा घबरा गया और उसने पूरे गांव को जमा कर लिया, सब हैरान थे। ये हाथ से बनाई मूर्ति नहीं, ये शिला नदी में बह के आई है, और उस नदी में पानी खाला बोल के ना रिवर है, वो बहुत पुरानी बात है, और ये नदी को बाढ़ आई थी उस टाइम गांव में छोटा सा गांव था, शनि शिवनापुर गांव छोटा सा था, और ये शिला बह के आई, दो दिन बाद तीसरे दिन बाढ़ कम हो गई। बाद में एक रात एक गांव वाले के सपने में शनि देव आए और कहा, मैं शनिश्वर हूँ, मैं एक काली शिला के रूप में स्वयं ही प्रकट हुआ हूँ। गांव वाले ने हाथ जोड़े और कहा, मैं आपका विशाल मंदिर बनवाऊंगा। तब शनि देव ने कहा, मुझे चार दीवारों के अंदर बंद करने की जरूरत नहीं है, आसमान ही मेरे मंदिर की छत होगी और मैं खुले आसमान के नीचे रहूंगा, रोज मेरी पूजा करना और हर शनिवार को मुझे तेल चढ़ाना। ऐसा ये 600 साल पुरानी कथा है, जब ये गांव बहुत छोटा था और नदी बहुत बड़ी थी, और 6 साल बाद पहले बहुत बारिश होती थी, जब उस टाइम बारिश हो गई थी तो ये हमारे इधर लिवरे पानस नाला बोल की जो नदी है उसको बाढ़ आई, वो बाहर 7 दिन तक थी, तब तक उधर कोई हमारे गांव का कोई आदमी गया नहीं उधर। वो पहले क्या करते थे, सबके तरफ ये इधर गाया महीसे चराने के लिए जाती थी, तब 7 दिन के बाद बारिश कम हो गई, वो पानी भी कम हो गया नदी का, फिर हमारे गांव की जो लड़की गाया चराने के लिए, तब उनने देखा ये बेर के झाड़ को इतना बड़ा पत्थर कैसा लटक रहा है, उनका थोड़ा दिमाग हिल गया, फिर उसमें से एक लड़की ने क्या किया, वो पत्थर को ऐसा काठी मार दी, लकड़ी मारने के बाद उसमें से खून निकलने लगा और वो पत्थर नीचे गिर गया,
नीचे गिरने पर उसने देखा है खून निकल रहा है, सब लड़के डर गए, उधर भाग के गाँव में आ गए। गाँव में आने के बाद इधर हमारे इधर एक पेड़ का झाड़ था, उसके नीचे हमारे इधर के लोग बुजुर्ग लोग बैठे थे, वो लड़के ने बताया ऐसा ऐसा हो गया उधर, हमने देखा एक पत्थर में से खून निकल रहे। फिर उस टाइम के गाँव में बहुत लोकसंख्या नहीं थी, कम कर दी, इसलिए गाँव के सब लोग उधर जाके देखा उन्हें क्या प्रॉब्लम हो गया। तो हमने देखा फिर वो क्या कि उस टाइम ये गांव में के लोग और आजू बाजू के गांव के लोग ऐसे पूरे लोग उधर गए देखने के लिए, तो उस पत्थर में से खून निकल रहा था। उस टाइम के बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, इस उस टाइम कंदील था, सब लोग कंदील लेके 9 बजे तक रुक गए वहाँ, लेकिन उनको कुछ दिमाग में नहीं आ गया। सब लोगों को लगा कि गाँव में उस टाइम बहुत पीड़ित पीड़ा आने वाली, सब डर गए और घर को आ गए सो गए। सोने के बाद क्या होगा, जो हमारे गाँव का जो मुखिया था उसके वो शनि बाबा भाव में आ गए, वो बोला मैं शनि बाबा हूँ, मैं इधर तुम्हारे गाँव में आया हूँ, मेरे को यहाँ से उठा के लेके जाओ तुम्हारे गाँव में बिठा दो। फिर सुबह हो गई, वो मुखिया ने ये गाँव वाले और आजू बाजू के गाँव वाले को बुला लिया और उधर गए वो मूर्ति के पास और उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो मूर्ति उठी नहीं। वो वापस रात को 10 बजे तक उधर रुक गए, लेकिन मूर्ति के जल के हाली नहीं। फिर वो घर को आ गए, ऋषि जी बाबू वापस गए, उनको बोले भाई मेरे को मामा भांजा चाहिए वहां से उठाने के लिए, तभी मैं उठूंगा नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। फिर और वो भी मामा भांजा, और उस टाइम क्या गाड़ी मोटर ट्रैक्टर कुछ नहीं था, उस टाइम बैलगाड़ी थी, तो जो बैलगाड़ी को जो बैल चाहिए वो भी मामा भांजा ही चाहिए। फिर उस मुखिया ने गांव में से इधर गांव के पास में से मामा भांजा बैल लाया, बैलगाड़ी को लगाया और मामा भांजे ने वो जो शिला है वो उठा के बैलगाड़ी में रख दी और वहां से लेके वो गाँव में आ गए। डोली बाजा लगाया, मतलब उस टाइम पे डोली बाजा नहीं दिया, छोटा सा बाजा लगा के गांव में मूर्ति ला के उधर रख दी। रख देने के बाद वो उसको फिर लोगों ने ऐसा किया, गांव वाले और बाजू गांव वाले अपन ने गांव में आके मूर्ति रख दी, अपन उसको अभी मंदिर बनाएंगे। फिर लोगों ने कुछ चंदा जमा किया, ये गांव में से और बाजू के गांव में से चंदा जमा किया, वो चौथरा बना दिया और उसको दीवार बनाते थे, दीवार बन गई क्या वो नीचे गिर जाती थी, दीवार बन गई क्या वो नीचे गिर जाती थी। फिर ऐसा 7-8 दिन चल गया, फिर वो कुछ समझ में आ गया। फिर वो जो हमारे गांव का मुखिया है उसके वापस अपने आ गए शनि बाबू, मैं सूर्य पुत्र शनि बाबू हूँ, मुझे धूप में रहना है इसलिए मेरे को मंदिर नहीं चाहिए। फिर गांव वालों ने ऐसा किया, सिर्फ चबूतरा बना दिया और वो खुले में शनि बाबू को रख दिया। और उस टाइम से इस गाँव में किसी मूर्ति को मंदिर नहीं, इसलिए किसी हमारे गाँव में किसी घर को दरवाजा नहीं है। इधर दो दो ये शनि भगवान के जो हीरे 2 किलोमीटर के हीरे, इसके अंदर किसी घर को दरवाजा नहीं। हमारे गांव में पुलिस स्टेशन है उसको भी दरवाजा नहीं है, यूको बैंक है राष्ट्रीय बैंक उसको भी दरवाजा नहीं है, पूरा खुला ही हमारे इधर। इधर चोरी होती नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई लबड़ी नहीं करता, अगर किसने गलती से चोरी की तो उसको शनि भगवान सजा देता है, अगर किसने झूठ से कोई गलती की जानबूझ के की तो उसकी सजा उसको इधर अर्जेंट दाम तो भी वो कहने अभी बाप ने किया और लेख कर गया वैसा नहीं, इधर जिसको उसको इधर सजा मिलती है, ये ऐसी शनि भगवान का चमत्कार है। और इधर कोई झूठ नहीं बोलता, अगर किसी ने गलत किया तो उसका प्रयास उसको कम से कम 1 साल के अंदर ही मिलता है, और नहीं तो कम से कम 2 दिन के अंदर तो जरूर मिलता है। ये हमारा मित्र ये प्रयास हमने देखे लगे। शनिदेव ने ये भी कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ पूरे गांव में चोर डकैतों का कोई खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद से ही शनि देव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे विराजमान है और आज रोज उनकी विधिवत पूजा की जाती है। ये काली शिला करीब 5.5 फुट ऊंची है और इसे एक चबूतरे पर रखा गया है। ये शिला है शनि देव का प्रतीक। इसके पास ही एक त्रिशूल रखा है और इसके दक्षिणी किनारे पर नंदी विराजमान है। सामने शिव और हनुमान की प्रतिमाएं हैं। वैसे तो यहाँ रोज ही 40,000 से 45,000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन यहाँ करीब 3 लाख श्रद्धालु आते हैं, और अगर अमावस्या शनिवार को हो तब तो भीड़ और बढ़ जाती है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की अपनी मान्यता है और उसी वजह से वो यहाँ बार बार आते हैं। हम तो हमारी श्रद्धा है, इनके अंदर श्रद्धा और विश्वास है, शनि देव जी बस कृपालु हैं, दयालु हैं, हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं और सीधे रास्ते पर लाते हैं। जो वो इनके साथ श्रद्धा रखते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बारे में हमने बहुत सुना है लोगों की, यानी शनि देव के बारे में बहुत सत्य, यानी जो भी चीज़ मांगते हैं वो हो जाता है।
इसीलिए हम यहाँ देखने आए हैं। और हमको भी इच्छा थी कि यहाँ आए ना, हम हमारी कुछ भी मांगे यहाँ वो कर पूर्ण कर। इसके अलावा यहाँ शनि जन्मोत्सव पर भी बहुत बड़ा उत्सव होता है। शनि देवस्थान में आने वाले भक्तों के लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर सुविधा का भी ध्यान रखा गया है और लोग यहाँ की सुविधाओं से बड़े खुश भी लगते हैं। पे आने से बहुत ही सुकून मिलता है। हम ऑल द वे मुंबई से आ रहे हैं, स्पेशली शिरडी, और शिरडी के बाद जो फॉलो करते हैं वो है शनि शिंगणापुर। तो इसकी जो खूबियाँ हैं, लाइक जितने भी हमारे ज़िंदगी में जो कष्ट है, दुख है, वो सब दूर हो जाते हैं, इसके लिए हम स्पेशली यहाँ पे आते हैं। तो हम सारे भक्तों को यही विनती करते हैं कि जो भी श्रद्धा से आते हैं तो वो हर साल फॉलो करिए, ताकि शनि देवता जो है वो हमारे पे हमेशा प्रसन्न रहे। यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो बहुत ही क्लीन है, ठीक है। जो भी यहाँ पे संस्था जो मैनेज करती है भक्तों के लिए, वो बहुत ही संभाल के, मतलब उन्होंने हर एक सिक्योरिटी है लेडीज़ के लिए, जो भी फैसिलिटी स्पेशली रखी हुई है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। मतलब हर एक को ये सुविधा प्राप्त करनी चाहिए यहाँ पे आके, एंड वो काफ़ी सेफ है बेसिकली। यहाँ मंदिर ट्रस्ट की दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा अर्चना की हर जरूरी चीज खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी 15 साल हो गए मेरे को ये दुकान चला रहा है। अभी इधर से 20 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, लेकिन 15 साल से इधर ही दुकान रहता है। सेवन देवस्थान का शॉपिंग सेंटर है, 7:30 PM इधर रहती है, मिटाने के लिए आते हैं लोग, वो मिट जाता है, ज़्यादा ऐसा कोई डर नहीं इधर कुछ। शनि महाराज का सब जानकारी का किताब है, शनिदेव का जो पूजा का सामान है सब, उड़े का नाल वगैरह रहता है, जो शनि का काला पुतला होता है, कड़े वगैरह बहुत सारा सब, जम्मू कश्मीर वगैरह, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब तरफ पूरा इंडिया में से आते हैं लोग, कोई कोई बाहर के भी आदमी कस्टमर। हाँ, और पूजा कुछ सामान लेते हैं पूजा का, फैंसी बांगड़ी वगैरह सब, शनि देव का चीजें सब लेते। इतना ही नहीं, यहाँ आपको प्रसाद, दान और दूसरे कामों के लिए भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के लिए ट्रस्ट की तरफ से बने किसी भी काउंटर पर जाकर जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था इतनी उत्तम है कि नारियल चढ़ाने की व्यवस्था भी अलग से की गई है, ताकि शनि देव स्थान में कचरा ना फैले। इस मंदिर में शनि की सार्वजनिक पूजा तो होती ही है, अगर कोई चाहे तो अपने दोष मुक्त करवाने के लिए व्यक्तिगत पूजा भी करवा सकता है। इस तरह की पूजा भी बड़े विधि विधान से की जाती है। पूजा जो है तो वो संकल्प का होता है, 10 मिनट का होता है, पहले आचमन करते हैं, फिर बाद में उसका भगवान का, गणेश जी का स्मरण करते हैं, बाद में संकल्प लेते हैं, जो भी दशा हो, पीड़ा हो, उनका शत्रु पीड़ा हो और निवारण होने के लिए भगवान को बोलते हैं ऐसा, और वो होने के बाद गणेश जी का और वरुण देवता का आह्वान करते हैं, और बाद में पुरुष सूक्त या नमस्ते रुद्रमन्य वेद से अभिषेक किया जाता है। हवन बोले तो गणेश जी का पूजा होता है, फिर बाद में गंगा जी का पूजा होता है, बाद में अपनी माता जो रहती कुल स्वामिनी दुर्गा माता और उनकी सखिया ऐसी षोडश मातृका का पूजा होता है, बाद में शनि भगवान की पूजा होता है, बाद में नवग्रह का पूजा होता है, आदि देवता और प्रत्यादि देवता सहित उसका पूजा होता है, बाद में ईशान्य यानी महेश्वर जी इनका जो कलश रहता है उसका पूजा होता है, और बाद में हवन होता है, उनका नीलांजन समावासम से आह्वान हो जाता है और पूजा करते हैं। इस देवस्थान ट्रस्ट के भविष्य के लिए भी कई बड़ी योजनाएं हैं, जिनके बारे में हमें यहां के ट्रस्टी ने बताया। मंदिर इतना पुराना है मगर करीब 400 साल तक महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की मनाही थी, परंतु अब वो बंधन भी हटा लिया गया है और महिलाएं भी मंदिर में आकर शनि देव के दर्शन कर सकती हैं। यहाँ रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और शनि देव की पूजा अर्चना में भाग लेते हैं।
पहले शनि देव का जल अभिषेक किया जाता है और फिर पुष्प वगैरह से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है और तब होती है शनि देव की पूजा। पूजा के बाद आरती तो होनी ही है और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पहले विघ्नहर्ता गणेश की आरती की जाती है। श्रद्धालु बड़े मनोयोग से उसमें शामिल होते हैं और फिर बारी आती है शनि आरती की। दर्शन मात्र मान करण प्रेमान आमाना पुरते जय देव जय देव। रत्न गजता पारा तुझ गौरे कुमरा चंदाना जे ओटे गम गम गे शवरा तेरे लड़िता मुकुट शोभा तो बरा रंगे नोरे चरणे आगरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री लाल मूर्ति हर जन्म देवान धरण देवान कामाना पुरते जय देव जय देव। लंबोदर पीताम्बर परिवर वंदना हर दुंडा वक्र दुंडा के नैना दाद्रा माता बलबाए सदना संगल दे बावल निर्वाण रक्षावे सलवर वंदना जय देव जय देव। जय मंगल मूर्ति हो श्रीराज मूर्ति हर जन्म प्रेमान करणे मा प्रेमान कामाना प्रदे जय देव जय देव। जय देव जानि देवा पद्म कर तेरे देवा आरते बुआरे तो मनवाए करने सेवा जय देव जानि देवा सूर्य सोता जानि मोते तुझे आगार गिर दे एक मुख गाया वारो जय जाना दाले ओ
ना सन्मान केला जय देव जनि देवा पद्म कर जरे देवा और देव वाले तो मनो आए करने सेवा जय देव जनि देवा प्रश गुण के देगाओ धने ना बोले I do.